आखिर क्या कारण है इस त्योहार को मुंबई में ही सबसे ज्यादा मनाया जाता है और गणेश जी की पूजा के बाद गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है, चलिए हम आपको बताते हैं। जब भारत में पेशवाओं का शासन था तब इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाया जाता था, लेकिन उस समय लोग इस त्योहार को अपने घरों में ही मनाते थे। जब भारत में अंग्रेजों का शासन चलने लगा तब इस त्योहार को लोग भव्य तरीके से नहीं मना पाते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने पेशवाओं के राज्य पर अधिकार कर लिया था और हिंदू में मतभेद पैदा हो गया था। युवक में अंग्रेजी आचार विचार के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा था। इसी को देखते हुए जननेता लोकमान्य तिलक हिंदू धर्म को संगठित करने के लिए गणेश उत्सव को बहुत भव्य रूप से मनाने का सोचा, जिससे सभी हिंदू एक साथ एकत्रित हो सकें, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और हिंदुओं का एक साथ होना बहुत ही मुश्किल था। गणेश भगवान एक ऐसे भगवान हैं जो समाज में हर जगह प्रथम पूज्य है। इसी विचार के साथ लोकमान्य तिलक ने पूना में सन 1893 में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की। तिलक ने गणेशोत्सव को आजादी की लड़ाई के लिए एक प्रभावशाली साधन बनाया। धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया जाने लगा। ये वो दौर था जब अन्य धर्मों के लोग भी हिंदू धर्म पर हावी हो रहे थे। इस संबंध में लोकमान्य तिलक ने पुणे में एक सभा आयोजित की। इस सभा में ये तय किया गया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाए। 10 दिनों में इस उत्सव में हिंदुओं को एक साथ करने के लिए और एक देश को आजाद करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर विचार किया जाता था। लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र से ही इस प्रथा की शुरुआत की, इसलिए यह त्योहार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मनाया जाने लगा। वेद व्यास जी ने गणेश भगवान को महाभारत की कथा 10 दिनों तक सुनाई। कथा सुनाने के बाद वेद व्यास ने पाया कि गणेश जी का शरीर तप रहा था, तो वेद व्यास जी ने पास के कुंड में ही गणेश भगवान को स्नान कराया, जिससे उनकी तपती शरीर को राहत मिले। इसलिए लोग 10 दिन तक गणेश भगवान की धूमधाम से पूजा आराधना करते हैं और फिर गणेश विसर्जन करते हैं।